अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुँचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भाई मैं 3 साल से आ रहा हूँ राशन कार्ड कैसे आ जाओ कल आओ, 1 महीने का फिर आए थे, 2 इंक्वायरी भी हो गई मेरी तीनों बार। कहाँ से? मैं वट्टापल्ली से आ रहा हूँ। तीनों खुद हो गया मेरा, इंक्वायरी सब हो गए मेरी। आपको दुनिया का मतलब वही समझ में नहीं आ रहा, बात भी सही नहीं कर रहे। कहाँ पे आके पूछे? ऊपर जाके पूछा मैडम को। हुसैनी आलम में क्या है यहाँ पे? राशन कार्ड का अप्लाई करा था। हाँ ऑफिस है राशन कार्ड का ऑफिस। हाँ मैं कार शॉप का काम करता हूँ किराए के घर में। पूरे राशन कार्ड बनाए हुए अपने को और राशन कार्ड भी नहीं है मेरे पास। करें और 2 बच्चे जो है जिसका उन्होंने अलग बना लिया, कार्ड। मैं 5 साल से फिर रहा हूँ केसीआर साहब आए जब से हमको कार्ड बंद हो गया, राशन नहीं मिल रहा। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, लकड़ी पकड़ लेके गया, कितने बार आए तो आता जाओ, हेड सेवा में जाओ, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, खाली फिराते रहे, कुछ करे नहीं लोग का, खाली बैठते रहते। जी 2-3 बार करा मैं अप्लाई, करे तो 2 बार लिए, फिर इंक्वायरी वनक्वायरी सब हुई पर अभी तक कुछ नहीं कर रहे। आए तो एड सेवा में जाओ मिलता, एड सेवा गए तो न्याय नाम तुम्हारा। पर अब कहाँ पर आए आप? वही हुसैनी आलम पे हूँ मैं। क्या बोले यहाँ पे? यहाँ पे गए तो बोलता एड सेवा को जाओ, आता जाओ आता जाओ बोल रहे, और एड सेवा में गए तो न्याय नंबर बोल रहे। ये साहब तो ये 2016 से चल रहा मसला है, 2000 अब तक कुछ भी नहीं हुआ। इंक्वायरी ऑफिसर आए, इंक्वायरी कर लिए, सब कर लिए, पन आ जाता कल आता, ऐसे में चल रहा मसला। केसीआर साहब एक बोल रहे हैं, ये लोग एक बोल रहे हैं, उन्होंने बोल रहे अगले महीने में राशन लो कार्ड ना लेके, अगले महीने में कार्ड मिलता ही नहीं तो राशन कहाँ से लेंगे बोलो आप। अभी क्या करना हम लोग, हार्ट का ऑपरेशन हुआ सर, लकड़ी पकड़ ले चल रहा था, अब यार अच्छा हो बोल के सही चल रहा हूँ। हार्ट का ऑपरेशन राशन बोलो आप क्या चाह रहे हो बताइए। हमें एक राशन कार्ड होना है साहब, कुछ नहीं राशन कार्ड होना है लेबर का। तो साहब मैं एक ही 4 साल से एक ही राशन के लिए अप्लाई करा हुआ हूँ और 4 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ साहब। यहाँ आने के बाद रेस्पॉन्स मेरे को कोई नहीं मिल रहा, और मैडम रहते ऊपर सर है, इंक्वायरी ऑफिसर है, मैं जब कभी भी आ रहा हूँ एक ही आपका एक ही इंशाल्लाह वेटिंग में है, आ रहा वेटिंग में है बोल के आज कुछ 4 साल हो गए साहब। मैं बीमार आदमी हूँ साहब, मैं ऑटो चलाता हूँ, अब आया तो एक ही 1-2 बजे से मैं खड़ा हुआ हूँ साहब राशन कार्ड, तो एक ही बोल रहे हैं ई सेवा में जाके इंक्वायरी करो, बोले ई सेवा को गया तो एक ही अब रिजेक्ट बोल के बता रहा है, समझे साहब जी, रिजेक्ट बोल के बता रहा। अब क्या करेंगे बोलो साहब, मैं बीमार आदमी हूँ देखिए, और मेरे पैर में रॉड है, और मैं क्या करूँ बोलो साहब, और मैं ऑटो ड्राइवर हूँ समझे, ऑटो के गुत्ते बाकी हूँ, 2 साल से ऑटो का गुत्ता बाकी हूँ मैं, कहीं कोई हेल्पिंग नेचर नहीं है मेरे में, कोई मेरे को मदद करने वाला नहीं है। केसीआर साहब बोल रहे हैं आपको 15 दिन में राशन कार्ड आ जाएगा साहब, यहाँ 15 दिन यहाँ गई, 5 साल हो गए साहब, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। मैं वही गुजारिश करना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि मेहरबानी होगी जो हम जैसे गरीब लोगों का राशन कार्ड वगैरह बना दिए, तो हमसे मदद, गरीब लोगों की मदद करीजिए समझे, चाहता हूँ मैं। मोहम्मद हामिद, और मैं 3 साल से फिर रहा हूँ, पहले से ही फिर रहा हूँ 5 साल से, जिस वक्त राशन कार्ड बन हुआ था, और मेरे पास रसीद भी है। अब मैं गया तो मैं फिर नीचे बका दिए मेरे को कि जैसो अब तुम्हारा फ़ोन नंबर है उनके ऑफिस साहब से मिलो बोल के बता दिए, ना तो अब नीचे नंबर है फ़ोन नंबर है ना कुछ है, ऐसे ही हो रहा। मैं कितने चक्रा मार के जा रहा हूँ, अब तक बार बार फिर के जा रहा हूँ, मैं कुछ राशन कार्ड खुले के बाद बोले 15 दिन के बाद बोले 15 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद आया, फिर 1-2 महीने के बाद भी आता हूँ, फिर ये छाल पर। अब फिर अब मैं दो बार अप्लाई करा हूँ, और ये मेरे को एक नाम ऐड करने का है, मैं खाली अभी फिर बजा दिए मेरे को खाली 3 साल पहले। मेरे पास अभी तक नहीं, मेरे वही पुराना राशन कार्ड भी अप्लाई करना, राशन कार्ड तो मेरे को राशन कार्ड नहीं मिला, और एक नाम ऐड करना है खाली, इसके से फिर आ रहे हैं मेरे को खाली एक कार्ड नाम जो है सर, पर मैं यहाँ को आईबीसा पे दाखिल करके आया मैं। अभी क्या बोले यहाँ पे? अब गया तो ऊपर यहाँ पे नंबर है, बोले बाहर यहाँ पे कोई नंबर फ़ोन नंबर ही नहीं है मेरे को, जाके वो साहब का काले पत्र में वहाँ रहते बाहर है, नंबर देखो बोले नंबर देखो तो कहीं भी नंबर नहीं है, अब कहाँ देखना नंबर आपका मम्मी नहीं आ रहा। फिर अब मेरे को ये राशन कार्ड में एक नाम ऐड होना है मेरे को, कुछ भी नहीं रिजेक्ट हो गए बोल लगा, अच्छा खासा नाम था मेरे शोहर का, मेरा बन रहे बोल के हम डाले दाखिल करे, मेरी सास दुनिया का पुकार ले रहे, राशन कार्ड आ रहे नहीं मेरे को, फिर 1 महीने 3 साल हुआ मैं डाल के राशन कार्ड बोरी ना में, 3 साल से फिर रही मैं, कुछ भी नहीं बोल रहा लगा, ऊपर तो आराम से बैठे हुए उन लगा झिड़कियाँ दे रहा हूँ, कुत्तों को झिड़कियाँ दिए ना, कौन दे रहे ऊपर कौन बैठे हुए मैडम उन लगा, क्या करना अब हम लोग, इंक्वायरी भी सब हुई, आता अम्मा बोल रहा लगा, क्या करना बोलो, अम्मा बोल के अम्मा खा लेना क्या,
कब आए थे मॉर्निंग में फिर? मैं 2 बजे आई हुई हूँ, 2 बजे से अब तक कुछ भी नहीं बोरन लगा। अगले महीने में फिर सर चालू होती गए, जब फिर धान लगाते जेरोक्स करा के आदमियों के बात सुनना हम लोग। कब करे सो ये 3 साल हो रहा बोरी ना मई, 2 लॉकडाउन भी चले गए, क्या खाना हम लोग बोलो, एक एक के घरों में 2-2, 3-3 राशन कार्ड आए, अब कुछ राशन कार्ड होना भाई। कार्ड पे से नामा निकाल के ला वाला एशिया वाला, इससे पहले फॉर्म भर के ला के दे दी एशिया में से, तो अच्छी बात है हम घर पे आके इंक्वायरी करके देते, बोले अभी तक आए नहीं, 1.5 साल होगा। कब कराए थे अप्लाई आप? 1 साल होगा। क्या बोले यहाँ पर फिर? नहीं अब होते रहता, जहाँ हम आके घर पे देते, बोले अभी तक नहीं दिए, फिर राशन ऊपर बोले में, फिर आप कार अप्लाई बोले नामा निकाल के एक करो, बोलते नहीं नहीं अपने हो तो नवम्बर के महीने में आओ। आप कहाँ पर आए अप्लाई करने? यहाँ। कौन सा एरिया ये? कब आए थे आप? आज की बात पर है। कितने बजे? हाँ नमाज पढ़ गया, 2:30 बजे निकली घर से। नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ। क्या बोले? नहीं होता नवंबर के महीने में आ, बोले मेरे नामा निकालना है ना, ज़रा बच्चों के शादियाँ हो गए, नामा निकाल दो, कोई भी नहीं, ना तो मैं कोजीफा है ना वो कारट है, तो नहीं होता माँ नवंबर के महीने में आ, बोले।